की माटी मारे ओ बाबा थारी धाम की माटी ओ बाबा खाटू धाम की माटी। किस किस को राज है वो पावन भूमि, कौन कौन ये जानता है कि जब से उस पावन भूमि में गए हैं उस पावन भूमि ने हमारा जीवन बदला है। दोनों हाथ उठाना और धन्यवाद की तालियां बजे आपकी एक साथ, एक दो तीन और चार। क्या बात है, बजाओ बजाओ, जितनी कृपा उतना धन्यवाद कीजिए। दुखों का नाश प्रभु, दुनिया भर की खुशियां मेरे पास आ गई। जब खाटू धाम की माटी मारी रास आ गई, वो पापा खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई, वो पापा थारी धाम की माटी मारी रास आ गई, वो पापा दरबार की विशेषता पता क्या है बाबूजी? ये दरबार लायकों से ज्यादा नलायकों के ऊपर ज्यादा अपनी कृपा दृष्टि करता है, ये वो दरबार सच्चाई है। जो हारा हुआ पीड़ित प्रेमी मजबूरी का मारा जाता है ना, उसको बाबा अपने गले लगा लेता है और जो बोलता मैं आ गया बाबा, उसको बोलता कौन है तू। हाँ, जो काम लाखों करोड़ों अरबों खरबों में भी नहीं बनता ना, इसके दरबार में जाते सिर्फ एक अर्जी से बन जाता है, ये वो दरबार है, वो शक्ति है। सुना, कोई नहीं देखो अपनो जद तू ही नजर मन आयो, कोई नहीं देखो अपनो तू ही नजर मन आयो, खाटू नगरिया बैठो जद मेरो जी घबरायो, जी घबरायो बाबा मेरो जी घबरायो, पैर धरो खाटू में सांस में सांस आ गई, पैर धरो खाटू में सांस आ गई। सकती थी, भारत की राजधानी है, सेंटर पॉइंट है हमारे भारत का। मिट्टी रास कलकत्ता की भी आ सकती थी, अगर सबसे पहले बाबा का प्रचार प्रसार हुआ तो वो कलकत्ता की धरती है। मिट्टी रास बॉम्बे की भी आ सकती थी, माया नगरी है वो। खाटू धाम की मिट्टी क्यों रास आई? क्योंकि उस मिट्टी के अंदर वो गुण है, वो ताकत है, यहां पे बाबा श्याम विराजे। चुलकाना धाम में बाबा ने शीश का दान दिया और प्रकट कहाँ पे हुए जाकर के खाटू धाम। राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा ही तो है खाटू, और आज पूरे विश्व में विख्यात है क्योंकि वहां पे हमारे जीवन का पालनहार बैठा है। इस दरबार में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। चमत्कार वो नहीं होता प्रेमियों जो एक इंसान कर सकता है, चमत्कार वो नहीं होता जो पैसा कर सकता है, चमत्कार वो नहीं होता जो हमारी पहुंच कर सकती है,
चमत्कार पता क्या है, 20 सालों से डॉक्टरों की दवाइयां ले रहे थे, कहीं से कोई फर्क नहीं लग रहा था, गोद 20 सालों से सूनी थी, दरबार में गए, एक अर्जी लगाई और 20 सालों से सूनी गोद बाबा ने हरी कर दी। ये चमत्कार है। गूंगे दरबार में बोलने लग गए, भजन सुना रहे हैं, ये चमत्कार है। पांगड़िए दरबार में बाबा को नाच नाच करके दिखा रहे हैं, ये चमत्कार है। खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा, बोलो खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा, क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा, क्या निर्धन क्या सेठ सभी को इसने पार उतारा, दुनिया सारी करके विश्वास आ गई, दुनिया सारी करके ये विश्वास आ गई। ऐसे ऐसे प्रेमी खाटू की पावन भूमि पर आपको नजर आएंगे। प्रेमियों, जो प्रेमी कभी ये कहा करते थे, बाबा एक समय का भोजन मैंने अपने परिवार को खिला दिया, मुझ पर दया कर देना दयालु कि मैं दो वक्त की रोटी अपने परिवार को खिला सकूं। जब दयालु की दया हुई, देखना फागुन मेले पर जाकर के, जो प्रेमी कभी ये कहते थे ना, बाबा एक समय का खाना बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, उन प्रेमियों के साथ साथ दिन के भंडारे चलते हैं। कितना दे दे कितना मिल जाए पता ही नहीं, ना बोल के देता ना तोल के देता, जब भी देता बेहिसाब देता है अपने प्रेमियों को। ये वो दरबार, ये हमारे लिए मामूली रेत नहीं है बाबा आपकी। ओ बाबा सुना, रेत नहीं मामूली ये तो है संजीवन बूटी, रेत नहीं मामूली ये तो है संजीवन बूटी, मौज करूं दिन रात शाम मैं सोऊं तन के कोटी, मौज करूं दिन रात शाम मैं सोऊं तन के कोटी, होली और दिवाली मारो मास आ गई, होली और दिवाली मारो मास आ गई। तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं, तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं, जिसका जितना समर्पण होता है ना उसके ऊपर उतनी कृपा होती है। बाबा की भक्ति पर, बाबा की आस्थाओं पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया होगा जिस दिन आरती बहन इस दुनिया से चली गई। बोले बाबा का निशान उठाती थी फिर क्यों मर गई, बाबा बचा भी तो सकते थे, लेकिन विधि का विधान भी तो कोई चीज है भाई साहब। लेकिन ये बात मैं कहती हूं, जो कृपा आरती बहन के ऊपर हुई है ना, वो कृपा हर एक प्रेमी के ऊपर होनी चाहिए। दुनिया वाले मुझे इस बात का ताना ना दे बाबा कि तेरा प्रेमी था भयानक बीमारी लगने की वजह से मर गया। अंत समय जब आए मेरा, ग्यारस की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, श्याम नाम की चादर तल पे अंतिम वस्त्र हमारा हो। सीखना चाहिए आरती बहन से, श्याम नाम की चादर तल पे अंतिम वस्त्र हमारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा हो। क्या पता जय श्री श्याम का नारा लगाते लगाते वो मेरी बहन विलीन हो गई हो। तालियां बजाओ। खो जाऊं मैं पंच तत्व में, आए हाय हाय, खो जाऊं मैं पंच तत्व में, जगह वो खाटू धाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री। जुबा पे हर घड़ी तेरा नाम आ जाए, ओ बाबा जुबा पे हर घड़ी तेरा नाम आ जाए, तेरा नाम उस वक्त मेरे काम आ जाए, झुका हो मेरा शीश तेरे दरबार में उसी वक्त मेरी मौत का पैगाम आ जाए।
जब मौत आए सामने बाबा, मौत से भी कह सकूं मैं, मौत तू मेरे लिए तब आना जब मैं बाबा की राह पे हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाओ, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाओ, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाओ, मेरा जी करता है शाम के भजनों में, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाओ। तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं, तेरी इस पावन मिट्टी में हो जाऊं, सदा सदा के लिए शाम तेरे चरणों में सो जाऊं, सदा सदा के लिए शाम तेरे चरणों में सो जाऊं। कृपा को महसूस करने लग जाता हूँ। ये जो बाबा का दरबार है ना प्रेमियों, ये शिकायत करने के लिए नहीं है, ये मन की पीड़ा समझने वालों के लिए ये बाबा का दरबार है। तालियां बजाओ। दरबार में ना दो प्रकार के प्रेमी आते हैं, पहले वो जो बाबा को फॉलो करते हैं, दूसरे वो जो बाबा को अपना सब कुछ मानते हैं। जो फॉलोवर होते हैं ना वो बोलते हैं, जिस दिन आपने ये काम कर दिया ना बाबा, मेरा निशान लेकर के आऊँगा तेरे दरबार में, जिस दिन आपने मेरा ये काम कर दिया 56 भोग लगा दूंगा आपको। लेकिन जो बाबा को अपना सब कुछ मानते हैं वो कहते हैं, बाबा निशान चढ़ाने के बाद बोलते हैं, सवा मणि लगाने के बाद बोलते हैं, बाबा मेरा फर्ज था आपको निशान चढ़ाने का, अब मेरी बात रखना दातार आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे इस नलायक की बात रख लेना, नहीं तो जैसी आपकी रजा है आपकी रजा में रहने के लिए तैयार हूँ। जो बाबा को अपना सब कुछ मान, तालियां बजाओ। क्या तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, गाइए गाइए गाइए, तेरे दर आके मुझे क्या, ये मैं जानता हूँ या तू जानता, बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है। लेकिन बाबा घर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, घर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, बोलिए
सुनना, चेहरे पे चेहरे सभी ने लगाए, चेहरे पे चेहरे सभी ने लगाए, चोट के रोसे ज्यादा अपनों से खाए, चोट के रोसे ज्यादा अपनों से खाए। उतनी तकलीफ ना तब नहीं होती जब कोई गैर चोट देता है, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना ही बेईमान हो जाता है। तालियां बजा। इस मतलबी दुनिया में सब नकाब लिए फिरते हैं, इस मतलबी दुनिया में सब नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। तालियां बजाओ। ये दस्तूर है दुनिया का, जब तक सब कुछ हो गया तो सारे रिश्तेदार भी बन गए, जब तक कुछ ना था तो अपने भी ठुकरा ठुकरा करके चले जाते थे। चेहरे पे चेहरे सभी ने लगाए, चेहरे पे चेहरे गाना बनेगा, सच्चाई है, चोट के रोसे ज्यादा अपनों से खाए, चोट के रोसे ज्यादा अपनों से खाए। चलो छोड़ो, क्या मुझे किस कैसा शिकवा गिला है, मुझे किस कैसा शिकवा गिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। तालियां तो बजाओ, फिर मुझे थोड़ी एनर्जी मिले, थोड़ी सी ताली और बजा दो, थोड़ी सी और आवाज बढ़ा दो तालियों की, ताकि सामने वालों को एहसास हो जाए कि मेरे प्यारे दरबार में बैठे। और ताली बजाओ, और बजनी चाहिए। दुनिया वालों का क्या है बाबा, दुनिया वाले तो ये कहा करते थे, डूबेगी नैया, तालियां बजे, तालियां बजे, डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, वतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया, वतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। अब दुनिया वालों को क्या मालूम, जिसका रक्षक बाबा श्याम है उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती, और जिसकी नाव पर तीन लोग का मालिक सवार हो उसकी नाव पानी में तो क्या बालू रेत के अंदर भी चला दे, ऐसा देव है। इस घोर कलयुग के चलते अगर दुनिया में कोई आखिरी दरवाजा है, अगर आखिरी उम्मीद है, वो हारे के सारे बाबा श्याम का दरबार है या फिर बालाजी महाराज का दरबार है। इन दो देवताओं का इतना इतना चमत्कार, इतना उजाला है आज के कलयुग के दौर में। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। क्या नैया को कैसे किनारा मिला है, नैया को कैसे किनारा मिला है, ये मैं जान बोलना पड़ेगा भाई। एक कृपा और बताऊं बाबा की, अगर अपने जीवन काल में महसूस करते तो गाना, क्या तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी कसम जिंदगी। बाबा ये भी सच्चाई है, देखने वाला कोई ना था,
कोई, तुम जो मिले बंदगी गई है। अगर शुक्रिया अदा करने के लिए है तो तालियां बजाओ एक बार जोरदार, तालियां बजा कर के धन्यवाद करो बाबा का। क्या सुनो, सुन ले ओ सांवरिया मुझे तेरा ही सहारा, सुन ले ओ सांवरिया मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा पापा तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा पापा तेरा ही सहारा। दूर दूर तक ओ सांवरिये सूझे नहीं किनारा, दूर दूर तक ओ सांवरिये सूझे नहीं किनारा। एक बार आ जाओ मनमोहन मैंने तुझे पुकारा, एक बार आ जाओ मनमोहन गाइए तुझे पुकारा। तुझ बिन कौन हमारा बाबा, तुझ बिन कौन हमारा, तुझ बिन कौन हमारा बाबा, तुझ बिन कौन हमारा। तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा, नैया हमारी ओ सांवरिये अपने तेरे भरोसे, बोलो नैया हमारी ओ सांवरिये अब है तेरे भरोसे। खेते खेते हार गया मैं डरता हूँ लहरों से, खेते खेते हार गया हूँ डरता हूँ लहरों से। ओ बाबा, गिर गए काले बादल और छाया घोर अंधेरा, गिर गए काले बादल और छाया घोर अंधेरा। तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा मुझे। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो बोलो। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा। ओ किसी की नैया का माझी बन जाता है बाबा, किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। जो उसका हो जाता है, उसका हो जाता है, किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है उसका कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मैं नहीं, किसके लिए आता है कौन इस भजन को जोर मार के कह सकता है कि बाबा मेरा जोर है आप पर, मैं आपको अपने भजन के जरिए बुला सकता हूँ। कौन गाता है, कौन कहते हैं इस बात को? वो कहते हैं जो आकर के दरबार में कहते हैं बाबा व्यवस्थाएं खराब चल रही हैं, थोड़ा सा गाड़ी को धक्का लगा दो प्रभु, सर्कल थोड़ा सा खराब चल रहा है, पिछली बार ये दिया था इस बार ये देना प्रभु। वो ये नहीं कह सकता कि बाबा मेरे लिए आ जा तू या मेरे लिए आ जाएगा, क्योंकि उसने कभी उस
भाव से बाबा को पुकारा ही नहीं, वो जब जब भी आया अपनी व्यवस्थाओं के लिए आया, अपने जीवन में सुख सुविधाओं के लिए आया। लेकिन जो कहते हैं बाबा, जिसका दरबार में बैठे बैठे आंखों से अश्रु आ जाते हैं ना, तो सामने वाला भी सिंहासन छोड़ करके आने के लिए तैयार हो जाता है उस प्रेमी के लिए। जिसका प्रेम होता है उसके लिए आता है। एक भजन आया, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ से, बड़ा विरोध किया हुआ उस भजन का, बड़ा विरोध हुआ। बोले हम इतनी वीआईपी हैं क्या, खाटू वाला रिंगस के मोड़ से आकर के लेकर के जाए। फिर उसके बाद उस बात का भी विरोध हुआ, रिप्लाई आया उस बात का। बोले शबरी अयोध्या थोड़ी गई थी, राम जी शबरी के यहाँ आए थे। कर्मा बाई खाटू थोड़ी गई थी, खाटू वाला कर्मा बाई के यहाँ आया था। ये कहना बड़ा आसान है भाई साहब, कि लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ से। जिस दिन हमारा समर्पण शबरी जैसा हो गया ना, जिस दिन हमारा प्रेम कर्मा बाई जैसा हो गया, या धन्ना चाट जैसा हो गया, या फिर नरसी जैसा हो गया, या फिर सुदामा जैसा हो गया, उस दिन बाबा रिंगस के मोड़ से नहीं, आपको आपके घर के प्रांगण से लेकर के जाएगा। बल काटू नरेश की, ये तो है नहीं हमारे अंदर। क्या उतना समर्पण है कर्मा बाई जितना समर्पण है हमारे अंदर, कि कर्मा बाई की तरह पुकार लगाएंगे वो आ जाएगा? समर्पण ही तो नहीं है। हम तो अपनी व्यवस्थाओं के लिए बाबा के साथ जुड़े हैं। जब तक बाबा ने अपना घर परिवार चला रखा है तब तक जुड़े हैं। उतना समर्पण करना बहुत, बाबा हम तो मानते हैं, हम तो नलायक हैं, हम आपके भक्त वक्त नहीं है बाबा, हमें 30 बार खान मत समझना। हम तो जरा सा आपको प्रेम करते हैं और आपके प्रेम के लिए जुड़े हैं आपके साथ। ये कहा करो बाबा से, थक गई नैन मेरी रसता निहार की, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। मैं ना कहूंगा ओ बाबा, आएगा मेरा सावरिया बाबा। मैं जानता हूँ मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है प्रभु, उतना भाव नहीं है कि उस भाव से आप मेरे पास आ जाओ। लेकिन दातार, मैं तो आपका एक नलायक सा बेटा हूँ, बच्चा हूँ, कोशिश कर सकता हूँ प्रभु। ओ बाबा, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। संजू गुण गाएगा सेवक बन जाएगा, संजू गुण गाएगा सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पहुंच गए मुझे, किस किस को, किस किस को, किस किस को लगता है मेरे आंसू पहुंच कर मुझे, तो कहना पड़ेगा आएगा मेरा सांवरिया। एक पुकार और लगाओ, हरे काना आजा अब तो आजा, कान हरे काना आजा अब तो आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा, हारी कुछ दाने आजा, आजा रे दीवाने आजा। तो के घर
सुना दूं, नहीं तो फिर कुछ टेस्ट चेंज कर देती हैं अगर आनंद नहीं आ रहा। अच्छा लग रहा है, एक छोटी सी रचना इसी रचना में सुना दूं, तालियां बजाओ। एक भक्त का विश्वास कैसा होना चाहिए? एक भक्त का विश्वास उस छोटे से बच्चे की तरह होना चाहिए, जिस प्रकार उस बच्चे को मालूम है कि मेरा माँ बाप जितना मर्जी मुझे ऊँचा उछाल दे, जैसा मर्जी मुझे आड़ा टेढ़ा कर दे, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि मेरा माँ बाप मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। किसी प्रकार सामने वाले के ऊपर हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, जीवन में जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, हमारा विश्वास है कि मेरा मालिक दुनिया के आगे मेरा सर झुकने नहीं देगा। विश्वास हो तो ऐसा हो। कभी भी आपके विश्वास को गड़बड़ाने मत देना। जीवन में जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, जैसा मर्जी दौर हो, जैसा मर्जी समय हो, आपका विश्वास सामने वाले के ऊपर डोलना कभी नहीं चाहिए। फिर असली भक्ति है, फिर हमारा असली समर्पण है। एक ऐसे प्रेमी का विश्वास आपको सुनाती हूँ, जो प्रेमी जीवन की ऐसी परिस्थितियों से घिरा है लेकिन सामने वाले के ऊपर ऐसा विश्वास। सुनना एक एक लाइन, बड़े गौर से सुनना, तालियां बजाओ। मुश्किल की घड़ियों में जब नजर न कुछ आता, मुश्किल की घड़ियों में जब नजर न कुछ आता, उस वक्त एक ख्याल मुझे हौसला दे जाता, उस वक्त एक ख्याल मुझे हौसला दे जाता। क्या शायद कुछ मेरे लिए अच्छा सोच रखा होगा, शायद कुछ मेरे लिए अच्छा सोच रखा होगा, हाँ सोच रखा होगा। मुश्किल की घड़ियों में जब नजर न कुछ आता, उस वक्त एक ख्याल। इसको कंटिन्यू करेंगे, तालियां बजाओ, बजाओ ताली। समर्पण होता है ना, फिर उसके लिए ये भी नंगे पांव दौड़ करके आता है। बजाओ ताली। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को।
तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। मैं सोचता हूँ बाबा, शाम को क्या दोष दूँ, वो तो सही है, समर्पण में मोहित कुछ तो कमी है, समर्पण में मोहित कुछ तो कमी है। बाबा, मैं अपने किए का आपको दोष थोड़ी दे सकता हूँ, आप तो हमेशा से कृपालु रहे हो, आप तो नलायक से नलायक के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि कर देते हो। हम अपनी व्यवस्थाओं के लिए बाबा से लड़ पड़ते हैं, शिकायतें करते हैं, हम ये भूल जाते हैं एक छोटा सा बालक जो पूरा ब्रह्मांड जीतने की शक्ति रखता हो, उसके आगे हमारी पीड़ाएं, हमारे कष्ट क्या हैं? अपने कर्मों का दोष मैं आपको नहीं दे सकता बाबा। शाम को क्या दोष दूं, वो तो सही है, समर्पण में मोहित कुछ तो कमी है, समर्पण में मो मुझ में कोई कमी रह गई बाबा, तो कमी है, शायद बुरे कर्मों का कुछ हिस्सा बचा होगा, शायद बुरे कर्मों का कुछ हिस्सा बचा होगा, हाँ हिस्सा बचा होगा। मुश्किल की घड़ियों में जब नजरे न कुछ आता, उस वक्त एक ख्याल मुझे हौसला दे जाता। कौन सा ख्याल हौसला देता है? वो साचो थारो दरबार सेवक आयो थारे, ओ बाबा ध्यान रखना, ओ बाबा ध्यान रखना। बहुत जगह धक्के खाए हैं प्रभु, बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह नतमस्तक हुए हैं, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी आपके दरबार के सिवाय। घूम्यो सारी दुनिया, मिलो ना कोई साथी जो कवे अपना, घूम्यो सारी दुनिया, मिलो ना कोई साथी जो कवे अपना, संता से सुनी है साचो है के साथी शीशा अपना, बोले बोले संता से सुनी है साचो है एक माता में जाऊं।
एक प्रेमी ना 25 साल तक दरबार में जाता रहा, 26वें साल उसने अपनी गाड़ी किसी और दरबार की तरफ घुमा ली। बाबा का फोन उसके पास पहले पहुंच गया, बोले तेरे पास आ रहे, जो 25 साल तक मेरा ना हुआ वो तेरा क्या होगा। तो एक ही को जान लो भाई, एक ही को पहचान लो। उसके ऊपर फिर सामने वाला जानता है कि मैंने इसकी जिम्मेवारी ली है और मैं अपनी ईमानदारी से इसकी जिम्मेवारी निभाऊंगा। जब हम बेईमान हो जाते हैं, हम दूसरा दरबार ढूंढने लग जाते हैं, तो सामने वाला भी एक बार तो हंसता है हम पर कि देखो ये मेरा वो भक्त है जो इंतजार भी ना कर सका, जिसका विश्वास ही ना हुआ मेरे ऊपर। कहा करो बाबा से, बाबा धन्यवाद इस बात का, कहीं हारने की दरकार महसूस हुई तो वो आपका दरबार था। अगर आपके दरबार में नहीं हारे हुए होते दातार, आपका दरबार हमें नहीं मिला हुआ होता। अगर हमें आपका दरबार नहीं मिला हुआ होता तो आपकी ये विशेष कृपा हम जैसे नालायकों के ऊपर नहीं हुई होती। बोलो ओ साचो तारो दरबार सेवक, ओ बाबा ध्यान, ओ साचो थारो दरबार फूला से सजा थारी फूला से सजावा हरिया बुलवारी वधारो घनश्याम। भक्ता बीच बैठो सुनो देश की अर्जी चोली में धारो नाम। भक्ता बीच बैठो सुनो देश की अर्जी जाना। कुछ नहीं मांगता आपसे, बस मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझसे भी लायक, मुझसे भी अच्छे आपके पास लाखों हैं करोड़ों हैं, लेकिन उस लाखों करोड़ों में से अपने इस नालायक बेटे का भी ध्यान रखना, बस इतना ही चाहता हूँ बाबा, ज़्यादा नहीं चाहता। ओ साचो थारो दरबार सेवक, ओ बाबा ध्यान रखना, साचो थारो बोली खाटू नरेश की जय। बोलो हारे के सहारे की जय। बोली श्याम। अब मुझे